कर रहा हूँ, चेन्नई पहुंचते ही मुझे अचानक से भूख लग गई, बिकॉज जितने भी बार आया हूँ यहाँ पे आके मैंने इडली डोसा खाया, और हमारे जो ड्राइवर भैया इनको मैंने पूछा कि यहाँ पे इडली मिलेगी, कहते बोले अभी लंच टाइम है तो थोड़ा मुश्किल है, होटल में तो मेरा लंच प्लान है, लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत खाया तो चलेगा। बिफोर द बैक साउंड इन माय हेयर हो वेटिंग हियर रोड साइड सो ओल्ड ओल्ड जावा बाइक ओल्ड ओल्ड जावा जावा राउंड टैंग है एसटी एसडी जावा दैट्स व्हाट आई सो एसटी इन आल्टर केरोसिन वन साइड केरोसिन वन साइड पेट्रोल स्टार्ट पेट्रोल अपर केरोसिन ओ वो द साउंड टप 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 नाउ वी गॉट एसडी आल्सो जावा भी आ गया एसडी भी आ गया। ऑलराइट गाइस सो हम आ चुके हैं बाहर, और मेरा जो दूसरा बैग है ना चेक इन वाला वो ये कैब में रहेगा, ये कैब मेरे पीछे रहेगी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और ये मैं मेरे साथ कैरी करूँगा क्योंकि मैंने टैंक बैग कैरी नहीं किया है। राइट नाउ जो बाइक हम चलाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वो मतलब शोरूम यहाँ पे है, बाइक मेरे सामने हाँ है, तो बाइक अभी कुछ ही समय मुझे मिलेगी और मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन जो बाइक मैं चलाऊँगा आई वॉन्ट टू शो दैट बाइक डायरेक्टली, जो बंदा है वो आ रहा है और फिर पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम लोग निकलेंगे राइड पे। क्या बात है, जब तक वो बंदा आता है कुछ खा लेता हूँ। यार इडली चाहिए सर, आई वॉन्ट टू ईट इडली बिकॉज ओनली नाइट टाइम ओनली नाइट नाइट अवेलेबल। अरे सर आई फॉरगॉट टू आस्क योर नेम अनबु मानी मानी रेडी मेक द वेरी कूल वेरी हॉट। देखो कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा, यहाँ का बस चाय पी लो बोल रहे हैं। अरे कुछ वड़ा खा लेता हूँ एटलीस्ट। तो हमारे यहाँ मेदू वड़ा खाते हैं सांभर के साथ चटनी के साथ, यहाँ पे इसने ऐसे ही दे दिया मुझे, पर इसको ऐसे ही कैसे खाते हैं यार, सांभर चटनी कुछ तो होना चाहिए। सो दोस्तों अभी मेरी बाइक रेडी हो चुकी है और आपको अभी मैं रिवील करूँगा कौन सी है मेरी बाइक जो मैं आज चलाने वाला हूँ। तो वी आर राइडिंग फ्रॉम चेन्नई टू कोवलम थ्रू ECR रोड, फेमस ECR रोड जो लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था, ऑन दिस ब्यूटीफुल बाइक ESD रोडस्टर। So this is Prashant from ESD Java Service Center in Chennai. Yeah, I'm a sales manager. Sales manager. So thank you so much, yaar. Bike is looking so good. So this is the bike that I'm riding today, ESD Roadster. Beautiful machine, cruiser bike hai. Aur first time actually main ye bike ko chalaunga. Mera pura experience aapke saath share karunga. Yahan pe kafi sare aur bikes bhi hai, dekho ESD Adventure hai. This is Java. That is Perak Java. Right now it is 1:30 almost. Abhi hum log nikal rahe hain. Zyada lambi ride hai nahi. ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लगेगा, आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे, और हमारे जो सर है वो भी हमारे साथ आएंगे, कार अपने पीछे रहेगी। आई डोंट नो द रोड्स सो यू सो लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग ऑन ESD रोडस्टर, मज़ा आएगा। चलो सो चलो लेट्स राइड ESD रोडस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं ये बाइक पर बैठूँगा, फील्स रियली गुड। वाह क्या फायरिंग है भाई। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ESD रोडस्टर बहुत ही स्मूथ, बढ़िया लग रहा है, अलग लग रहा है, काफ़ी अलग लग रहा है, सेटिंग पोस्चर से लेके कंफर्ट, फुटपेक्स की पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा क्रूजर टाइप की फील आ रही है मुझे, और इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है यार। ओहो सो द बाइक दैट आई गॉट इज ऑफकोर्स द मीडिया बाइक। अरे यार बारिश मत होना यार, वैसे तो ये सीज़न नहीं है चेन्नई में बारिश का, लेकिन थोड़ी बहुत होती रहती है। तो 2019 में मैं जब चेन्नई आया था तब मैंने ECR पकड़ा था, ईस्टर्न कोस्टल रोड, पर बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, आज मैं आपको दिखाऊंगा इतना ब्यूटीफुल रोड। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ये वाला ब्लॉग में आपको काफ़ी एक खूबसूरत रोड दिखेगा, खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, और चेन्नई जैसा खूबसूरत शहर दिखेगा। वैसे आप लोगों में से कितने लोगों के पास ESD जावा बाइक है कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मैं शेयर तो करूँगा ही आपके साथ। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही हेक्टिक ट्रैवलिंग हो गया मेरा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अमरावती में था तो ये तो होना ही था, अगर मैं मुंबई में होता तो सुबह ही आ जाता, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, जो हमारे चैनल पे तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस था ही नहीं, इनफैक्ट काफ़ी कम लोग ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग वैसा एक्सपीरियंस करते हैं। देखने में तो बाइक बड़ी दिखती है ये, लेकिन इट्स प्रिटी निम्बल एंड आई कैन फील द थंप इन द एग्जॉस्ट नोट, आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो क्या, देखो ओहो हो एकदम सब बेसी साउंड है।
तो ये देखो यहाँ पे है कुछ बटन्स, ये M मतलब मोड है शायद, हाँ ये चेंज हो रहा है, ओडो ट्रिप ए ट्रिप भी, और भी काफ़ी कुछ होता होगा, एरोस भी है, ये अपना हाई बीम लो बीम, किल स्विच, हजार्ड स्विच। तो आई हैड टू ऑप्शन देयर सर्विस सेंटर पे, एक तो जावा लूँ या तो एस डी लूँ, आई ऑप्टेड फॉर एस डी बिकॉज पता नहीं मन हुआ एस डी चलाने का। तो यहाँ पे मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जो इवेंट में साथ में रहेंगे, लेकिन वो सुबह ही आ गए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नागपुर से आया ना, तो मैं थोड़ा लेट आया, तो वो लोग सुबह ही निकल गए मतलब यहाँ पे आके, तो मैं लेट आने की वजह से थोड़ा मुझे ऑप्शंस कम मिले, लेकिन कोई नहीं। अरे ऐसा स्लो मत चलाइए सर, ये गाड़ी स्लो चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ना जगह जगह पे बिरयानी और ये सब बहुत मिल रहा है यार, वो सब पढ़ के ना ऐसे भूख लग रही है। सच अ इंटरेस्टिंग प्लेस, वेरी हैपनिंग प्लेस चेन्नई। और ये देखो ये शायद नदी या बैक वाटर ऐसा कुछ है, यहाँ का बीच बड़ा ही प्यारा है यार। कभी चेन्नई आओ ना तो मरीना बीच ज़रूर जाना, मस्ट विजिट प्लेस इफ यू कम टू चेन्नई। पांडिचेरी 126 पुदुचेरी नागापट्टनम, अच्छा वो थोड़े लंबे लंबे नाम है ना, तो पढ़ने का थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बाइक्स चला रही है यार, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, वेरी नाइस। तो जब तक हमारे ड्राइवर अन्ना टोल भर के आते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको। वाह सच अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, वाओ प्योर मेटल, और स्पेशली जो क्रोम टच एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया। आ गए सर, चलो थोड़ा सा इसका जो है टॉर्क चेक करते हैं। ओहो ओहो नाइस। तो अभी हम लग गए प्रॉपर ECR पे, और जस्ट पैरेलल यहाँ पे समुंदर मुझे दिख रहा है, आपको तो फिलहाल नहीं दिखेगा, बहुत सारे पेड़ है वो देखो। ओहो सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। तो ये जो व्यू है समुंदर का रोड के पैरेलल, ये और भी अच्छा होते जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पांडिचेरी की तरफ। इस बार तो हम कोवलम को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले और काफ़ी कुछ वहाँ पे हम लोग सीखने वाले, देखते जाओ। इधु नम्मा चेन्नई नम्मा चेस, 187 कंट्रीज मे द बेस्ट विन। आई थिंक चेस का कोई वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है, नाइस। तो यहाँ से अभी शायद हमको टर्न मारना पड़ेगा, तमिलनाडु की गांव वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। बीच को जस्ट लग के अपना होटल है, तो एकदम बढ़िया सा नज़ारा होने वाला है आई एम वेरी श्योर। कैसोरीना बे बीच रिसोर्ट, ऑलराइट आई कैन ऑलरेडी सी द बीच। यहाँ पे जावा SD मोटरसाइकिल्स है, यहाँ पे अपनी भी लगेगी। शॉर्ट राइड बट स्वीट राइड, मज़ा आ गया। A few moments later. तो बोलते हैं ना चट मंगनी पट व्या, बस वैसे हो गया, चट राइड पट एडवेंचर। वैसे ओ भाई यहाँ पे मोर भी है, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस मैन। ये देखो यहाँ पे डॉग्स भी है, ये देखो लोकेशन, बैठने के लिए जगह, स्विमिंग पूल, कॉटेजेस। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। यहाँ पे है सर्फिंग फेस्टिवल इन एसोसिएशन विथ जावा SD मोटरसाइकिल्स, बेसिकली क्लासिक लेजेंड्स। जब मैंने ये प्लान सुना तब मुझे लगा कि भाई यही सही वक्त है टू लर्न सर्फिंग, एटलीस्ट बेसिक भी आ गए ना अपने को, तो अपन मुंबई जाके कुछ कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि 2-3 साल पहले मैंने ठाकुरान जी को बोला था कि एक सर्फ बोर्ड ले लेते हैं डीकैथलॉन से, अपने आप इतना बड़ा समुंदर है, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, कॉन्टेंट वाइज भी अच्छा हो जाएगा, खुद का एक स्किल भी डेवलप हो जाएगा। आज वो मौका मिला, और वो भी कहाँ मिला यार, इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आपने कभी सर्फिंग फेस्टिवल देखा है? मैंने तो सीरियसली कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं भी एक्सपीरियंस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। ये आज है और कल है, परसों घर वापसी। वैसे यहाँ पे तो वार्निंग लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग करंट। सो दिस इज अ सर्फिंग फेस्टिवल, ओ हाई, आई नेवर थॉट कि इतना बड़ा सेटअप होगा, दिस इज बिग सेटअप मैन। राइड द वेव, सबसे पहले खाना खाया जाएगा बिकॉज भूख बहुत लगी है, और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे सर्फिंग, ट्राई करेंगे। जैसे बिगिनर्स कोर्स है, मतलब बेसिक ट्रेनिंग शायद मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ लोग भी रहेंगे, सो हियर इज केशव, हियर इज बर्नार्ड, और यहाँ पे जय, जय इज फ्रॉम बाइक वाले, बर्नार्ड इज फ्रॉम जिग व्हील्स, मोटरिंग वर्ल्ड, केशव इज फ्रॉम मोटरिंग वर्ल्ड। मैं कहाँ से हूँ आपको पता ही है। ये ले आ गया हमारा स्टार्टर्स, खाना तो बाद में आएगा, ये लो भाई।
बापरे सब कुछ एक साथ आ गया। ये क्या है? ग्रीन थाई करी। ग्रीन थाई करी। कार्तिके का वीडियो आया तो पहला क्लिक होता है उसमें मेरा। आई मेट हिम इन IBW लोनावला वाला दिस ईयर लास्ट ईयर सॉरी।